हेलो मित्रों, कोरोना वायरस का दुनिया भर के इकोनॉमिक सिस्टम पे काफी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में कई लोगों की नौकरी भी चली गई। कुछ ऐसा ही एक महिला के साथ हुआ, लेकिन कुछ ही समय में वो करोड़ों रुपए की मालकिन भी बन गई। दरअसल इस महिला ने लॉटरी में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जीत ली, लेकिन महिला को लॉटरी में इतनी बड़ी रकम उसके पति के द्वारा रात में देखे गए सपने ने दिलाई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक सपने से कैसे कोई लॉटरी जीत सकता है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर एक सपने ने कैसे इस महिला की किस्मत चमका दी। दरअसल कनाडा के टोरंटो में रहने वाली 57 इयर्स ओल्ड डेंग प्रभुतु डोम का कहना है कि उनके पति ने 20 साल पहले एक सपना देखा था। इस सपने में ही उन्हें लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए कुछ खास नंबर्स के बारे में पता चला। इन खास नंबर्स ने ही इस महिला को लॉटरी में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जीतने में मदद की है। डेंग प्रवतु डोम पिछले 20 साल से लॉटरी के टिकट्स खरीद रही थी। हर बार वो उसी नंबर्स की टिकट खरीदती थी जो उनके पति ने सपने में देखा था। आखिरकार 2 दशक के लंबे इंतजार के बाद महिला को कामयाबी हाथ लग गई। कनाडा के ओंटेरियो लॉटरी एंड गेमिंग ने डेंग प्रवतु डोम के 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 437 करोड़ रुपए जीतने की घोषणा की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेंग को लॉटरी में इतनी बड़ी रकम जीतने की पहली जानकारी भी अपने पति से ही मिली। डेंग को जब ये खबर मिली कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम जीत ली है, तो वो काफी खुश हुई। उन्हें पहली बार में तो इस बात पर भरोसा भी नहीं हुआ। एक वर्चुअल सेलिब्रेशन प्रोग्राम में डेंग को लॉटरी में जीते गए रकम का चेक सौंपा गया। डेंग ने बताया कि वह लॉटरी के पैसे से घर खरीदने जा रही हैं और फिर पूरी दुनिया घूमने पर ये पैसे खर्च करेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।